हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगा वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है ये मॉडर्न फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है और बीएससी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में, प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए ये जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है उसके अंदर। तो डेविसन एंड जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है, एक्चुअली इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मॉडर्न साइंस के अंदर, और कैसे इसने जो है शो किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास में ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब कि भाई उसके पास में पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो वेव नेचर कैसे शो करता है मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके पास मास जो है 9.1 × 10⁻³¹ kg है। तो कोई भी मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल जो है वो वेव नेचर शो करेगा, इसकी क्या प्रूफ है? तो जो डी ब्रोगली का कंसेप्ट था, दैट वाज गिवन इन 1924 एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। सो उसकी ये जो हाइपोथेसिस थी ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो है फुलफिल हुई है, उसी को मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसको आप लिंक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं और यू कैन विजिट माई वेबसाइट। ओके, लेट्स गो ऑन टू दी नोट्स, जो वन नोट्स हैं जहाँ पर ये सब डिस्क्राइब किया है। तो मेरे पास में ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, और इस डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, जो ब्लैक अभी हाइलाइटेड किया है, ये फिलामेंट है। ये फिलामेंट ग्लो जब करेगा तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और P1 जो प्लेट है एक्चुअली वो निगेटिव पोटेंशियल पर रखी हुई है। निगेटिव पोटेंशियल पर क्यों रखी हुई है उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे हैं तो P1 प्लेट का पर्पज़ ये है कि यहाँ पर उनको एक्यूमुलेट कर ले पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और P2 जो प्लेट हैं ये नेक्स्ट जो थ्री प्लेट्स हैं इनको हायर पोटेंशियल पर रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि P1 ये जो दो प्लेट हैं ये यहाँ पर इनका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना है, और जैसे ही वो इकट्ठे होते हैं यहाँ पर तो इस P2 का पोटेंशियल जो है P1 से ज़्यादा है। पॉजिटिव टर्मिनल पर इसको रखा हुआ है, इसके हाई टेंशन बैटरी पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये इन सभी इलेक्ट्रॉन को फिर अट्रैक्ट करेगा, और इस विंडो के थ्रू जो है ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अट्रैक्ट होंगे और उनको मोमेंटम मिलेगा, वो एक्सेलरेट हो करके एज ए बीम फॉर्म यहाँ ये जो निकल क्रिस्टल है उस पर जो है स्ट्राइक करेंगे, और जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ इस मटेरियल के थ्रू ये जो क्रिस्टल ये आपको दिया हुआ है निकल, इसके थ्रू इनकी स्कैटरिंग होगी, और उस स्कैटरिंग को एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसके थ्रू ऑब्जर्व कर लेंगे। और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये सर्कुलर स्केल पर घूमता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो रीडिंग नोट कर पाएगा यहाँ इस एंगल से लेकर जो कि 90 डिग्री है, और इस एंगल तक एक जो मिनिमम एंगल है 20 डिग्री, तो इसकी जो रेंज है वो 20 to 90 डिग्री है। ये निकल का क्रिस्टल है, इसमें जो लाइनें इंडिकेट हो रही हैं ये लाइनें जो है प्लेन को इंडिकेट करती हैं, नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तब उसमें इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और ये लो टेंशन बैटरी जो है फिलामेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आई होप कि इसके तीन पार्ट हैं। इसको कंप्लीट को जो है वो इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, क्रिस्टल है, और एक ये सेमी सर्कुलर जो आपका स्केल आपको दिखाई पड़ रहा है जिसपे गैल्वेनोमीटर मूव करता है। तो यहाँ होगा क्या है एक्चुअल में, तो इलेक्ट्रॉन बीम जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे यहाँ से स्कैटर्ड होगी और वो इस साइड में आएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड हुए हैं ये कैसे बता देंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी जो नेचर है वो वेव नेचर है, राइट? तो यहाँ ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इन नोट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो अभी लिंक में आपको बता रहा था कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका, क्योंकि 1927 में इस एक्सपेरिमेंट को जो है परफॉर्म किया डेविसन एंड जर्मर ने, और उन्होंने प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास में वेव नेचर है। उसके क्या कितने पार्ट्स थे, उन पार्ट्स को आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गन, नंबर 2 टारगेट जो निकल क्रिस्टल का है,
एंडी कलेक्टर बोलते हैं उसको, फेराडे बॉक्स कलेक्टर। एक्चुअली ऐसे तो ये जब ओरिजिनल अगर आप रिसर्च पेपर देखते हैं तो निकिल का क्रिस्टल और जो ये कलेक्टर है वो एक ही बॉक्स में है, लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट की फॉर्म में बताए हुए हैं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एमिट करते हैं फ्रॉम दी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम कैथोड, ये लिखा हुआ है। दैट मीन्स फिलामेंट से जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को ये P2 जो प्लेट है वो अट्रैक्ट करेगी, और ये P2 प्लेट नेक्स्ट जो प्लेट है और ये सारा एक ही हायर पोटेंशियल पर रखे हुए हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इनको अट्रैक्ट कर लेंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो प्रोसीजर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन के साथ में कुछ और स्लो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको रोक दिया जाएगा रिटार्डेड पोटेंशियल के थ्रू, जो कि आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। हुआ क्या, हुआ ये कि अब जो है जैसे यहाँ कंडीशन लिखी कि नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ ये लिखा हुआ है नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ये परपेंडिकुलरली फॉल करती है ऑन द निकल क्रिस्टल। अब निकल क्रिस्टल जो है वो किसी भी एंगल पर नहीं रखा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे रखा हुआ है, और ये 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जब ये सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में जो है ये इस बीम जो है जब स्कैटर होगी तो उसके रिजल्ट क्या होंगे और कैसे उसको इन्होंने मेजर किया। अब इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि निकल पर जो है वो परपेंडिकुलरली फॉल करते हैं, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द क्रिस्टल, और इन द बिगिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोजेक्टेड एट ए स्मॉल वोल्टेज। अब यहाँ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोजेक्टेड हुए हैं एट ए स्मॉल वोल्टेज एंड क्रिस्टल वाज अलाउड टू प्लेस एट एनी आर्बिट्रेरी अजीमूथ। द कलेक्टर विच इंक्लूड गैल्वेनोमीटर कैन बी स्लाइड ऑन द सर्कुलर स्केल टू डिटेक्ट द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन थ्रू ए विंडो। ये तो बात ठीक है कि इनको आप समझ सकते हैं कि एक क्रिस्टल जैसे आप देख रहे थे अभी, उसको रख दिया गया है और उस क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड होंगे, और यहाँ कलेक्टर रखा हुआ है, इस कलेक्टर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर होंगे। अब ये जो वोल्टेज की बात आई क्या है, तो वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे है, तो इस वोल्टेज को एक्चुअली वेरी करेंगे, हाई टेंशन की बैटरी है और इससे वोल्टेज कभी आप ये स्टार्टिंग में 40 वोल्ट रखेंगे, फिर 50 वोल्ट रखेंगे, 60 वोल्ट रखेंगे, और इस तरीके से 64, 68 ये वोल्टेज सप्लाई हम जो है इसको देंगे, और एज ए रिजल्ट ये जो एंगल आएगा फाई, इसको हम प्लॉट करेंगे इसके साथ कि कितनी वोल्ट पर ये कितना जो है इंटेंसिटी गैल्वेनोमीटर ने करंट को नोट किया। करंट जो है वो इसका मतलब ये क्या है कि जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही करंट ज़्यादा होगी, राइट। एक तो पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये कि जब ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से स्कैटर्ड होगा तो इसका भी एंगल चेंज होगा ना, इसका एंगल यहाँ हो सकता है, इसका एंगल यहाँ हो सकता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो फाई क्या होगा, तो कितनी वोल्ट पे आपने फाई ऑब्जर्व किया और उसमें करंट कितना था, राइट। तो करंट को और वोल्टेज ये आपका एक फिक्स वोल्टेज पे, सपोज किया आपकी 40 वोल्ट है उस पे आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, यहाँ पे इसको 40 वोल्ट रख लिया, और अब जो है आपने इसको यहाँ इंटेंसिटी दैट मींस जो करंट आपने नोट की गैल्वेनोमीटर के थ्रू वो, और ये फाई, इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स आप देख रहे थे अभी यहाँ, तो ये 40 वोल्ट पे है और यहाँ जो है 44 वोल्ट पे ये बम्प स्टार्ट हुआ है इस प्रोसेस के अंदर, इस ग्राफ के अंदर, और ये जो एंगल होगा वर्टिकल एक्सिस है ये जो है इसको फाई एंगल बोलते हैं, कोल एटीट्यूड एंगल इसको बोलते हैं, और कोल लेटीट्यूड इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड द लाइन कनेक्ट्स टू द विंडो ऑफ द कलेक्टर टू द टारगेट। तो यहाँ जो एंगल है आपका ये कोल एटीट्यूड एंगल वो ये एंगल फाई है। तो ये तो हुई इंसिडेंट बीम, ये आपका टारगेट है और ये आपका कलेक्टर है, तो टारगेट और कलेक्टर को जो लाइन ज्वाइन करती है और इस इंसिडेंट बीम के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल को क्या कहेंगे, कोलैटिट्यूड एंगल कहेंगे। आई होप कि आप ये पॉइंट आप कैच कर रहे होंगे। और इसके बाद में ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आप देखते हैं ना, तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि आपने 40 वोल्ट्स पे क्या किया,
आपने जो कलेक्टर है वो मूव किया और उसकी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आपने इंटेंसिटी को मेजर किया, जैसे कि यहाँ दोबारा फिर मुझको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ 40 वोल्ट आपने फिक्स कर दिया और अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ 40 वोल्ट के कोरस्पोंड आएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी स्कैटर्ड हुए, यहाँ पे भी हुए, यहाँ यहाँ इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, यहाँ, तो हर पोजीशन पर आपने उसको इंटेंसिटी को मेजर कर लिया, दैट मीन्स ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट को मेजर कर लिया। विद रेस्पेक्ट टू इट क्या चेंज हो रहा है, ये फाई चेंज हो रहा है ना, तो एट ए फिक्स वोल्टेज जो फाई है और जो करंट है उसको आपने प्लॉट किया है, और ये जो ग्राफ है वो आपको इस डायरेक्शन में ऐसे शो हुआ है। यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द करंट रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पर जो आपने वोल्टेज फिक्स किया है ये इस एक्सिस पे, और ये आपका वोल्ट यहाँ पर नहीं है, वोल्ट तो एट ए फिक्स वोल्टेज है, और इस फाई को आप प्लॉट करते हैं इसके साथ में, तो ये जो एंगल होगा इसके साथ में ये रिफ्लेक्ट करेगा एंगल फाई को, राइट। तो इस तरीके से ये हम एट ए फिक्स वोल्टेज इंटेंसिटी ऑफ दी जो है स्कैटर्ड बीम एंड जो ये को लैटिट्यूड एंगल है इसको प्लॉट करते हैं, और इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि जब वोल्टेज 54 हुआ था तो उस टाइम जो है ये को लैटिट्यूड जो है एंगल 50 डिग्री हुआ, और यहाँ पर ही सबसे बड़ा ये जो है मोस्ट प्रोमिनेंट बम्प जो है वो दिखाई पड़ा। तो ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट बम्प है ये ही इसकी एक्सप्लेनेशन एक्चुअली यहाँ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में दी हुई है, और वो ही मेन इम्पोर्टेंट है कि भाई ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट बम्प आया यहाँ पर इसकी वजह क्या है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक्चुअली जब दी गई तो वहाँ से पता लगा कि जो यहाँ इंटेंसिटी थी वो मैक्सिमम थी। तो आपको पता है कि कोई भी वेव जब डिफ्रैक्ट होगी, अगर आई डोंट नो कि आपको ग्रेटिंग एलिमेंट का आइडिया है, ग्रेटिंग का आइडिया है या नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन विजिट दैट वीडियो, और जहां एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है कि ग्रेटिंग क्या है और ग्रेटिंग एलिमेंट के थ्रू किसी भी लेजर की वेवलेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब लाइट आपका डिफ्रैक्ट होगी तो जो डिफ्रैक्टेड वेव्स है ना वो इंटरफेयर करेंगी, और जब वो इंटरफेयर करेंगी तो एक जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और एक जगह कम होगी। तो जैसे आपने इंटरफेरेंस पढ़ लिया होगा, आई होप कि वहाँ पर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेंगी, एक बैंड मिलेगा, तो ये ब्राइट फ्रिंजेस का मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे थी। और इसको दूसरे तरीके से भी कोरिलेट मैं कर सकता हूँ, अगर आपके पास में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैं अभी ग्रेटिंग का बोल रहा था, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब आप डायफ्रैक्शन देखते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, ये प्लस टू के स्टूडेंट्स के लिए है, और जब आप फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम फिर उसके बाद कम कम ऐसा होता जाता है, ये बीएससी के स्टूडेंट के लिए आइडिया है। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि ये आइडिया कहाँ यूज हुआ है। तो डायफ्रैक्शन जब आपने सिंगल स्लिट या डबल स्लिट के थ्रू स्टडी किया होगा तो वहाँ एक सेंटर में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, तो वो इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट करती है, वो बता रही है हमको, तब वो वेव नेचर का टॉपिक था, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में जब ये आया कि यहाँ पे ये मोस्ट प्रोमिनेंट बम्प है और इंटेंसिटी मैक्सिमम है, दैट मीन्स कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग ये था कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो डाइफ्रैक्ट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ वेव और वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, तो इस तरीके से इसको कंक्लूड किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर यहाँ पर रहे वो एक तो ये को लैटिट्यूड एंगल है, फाई इजिकल टू 50 डिग्री, और ये वोल्टेज था। तो इस वोल्टेज को यूज करके डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया गया कि वेवलेंथ कितनी होगी। तो एक फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और जब आप इस पी की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर ये वोल्टेज की टर्म में आप रखेंगे इसको लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी इज इक्वल टू एम वी, और ये आपका एच, और ये एम वी की ये वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी यू नो कि 1/2 एम वी स्क्वायर है, तो अगर मुझको एम वी की वैल्यू निकालनी है तो 2 काइनेटिक एनर्जी इन इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ऐसे हम लोग निकालते हैं इफ़ यू रिमेंबर। तो पी इज इक्वल टू एम वी,
एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट दिस एम वी हियर, तो वॉट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई हियर बाई एम बोथ साइड. सो 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर. सो दिस साइड इज इक्वल टू पी स्क्वायर बिकॉज पी इज इक्वल टू एम वी. सो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. सो पी यू कैन राइट इंटू स्क्वायर रूट 2 मास ऑफ द पार्टिकल एंड इंटू काइनेटिक एनर्जी. यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है. ये जो इलेक्ट्रॉन आपने एक्सेलरेट किया है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी को ई वी की फॉर्म में लिखेंगे. ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा, वी वोल्ट है, और जब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब रखेंगे और ऊपर ये आपका एच रहेगा, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, जब इन सब की वैल्यू आप रखेंगे तो वो जो फार्मूला आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट 2 mev आएगा, राइट. और इतने एंगस्ट्रॉम ये आप आएगी वैल्यू जब आप इसकी यूनिट वगैरह सब पुट कर देंगे. तो जब इन सब की वैल्यू पुट की गई, m की, e की, 2 की, h की, तो रिजल्ट आया 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट वी. तो यहाँ डायरेक्ट हम अब ये फॉर्मूला तो ड्राइव नहीं करेंगे, हम लोगों को तो चाहिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला, बिकॉज वी नो राइट ना कि अभी जो पार्टिकल है वो हम लोगों के पास में इलेक्ट्रॉन है. तो उसके लिए जो है क्या फार्मूला यूज होगा डी ब्रोगली का, वो ये है जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है. वी की वैल्यू पुट की तो इसके कोरस्पॉन्ड जो वेवलेंथ आई वो आई 1.67 एंगस्ट्रॉम, राइट. सो अब जो पॉइंट था, अब ये पॉइंट शो करना था कि भाई ये जो वेवलेंथ है इस इलेक्ट्रॉन की वो 1.67 एंगस्ट्रॉम है. तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यूज किया गया, और वो था ब्रेग्स का डिफ्रैक्शन लॉ. तो ब्रेग्स का डिफ्रैक्शन लॉ क्या बोलता है वो इस पिक्चर के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगा. यहाँ मैं दिखा दूँ इसको, और ये क्रिस्टल है इसको भी मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले ये पिक्चर आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर NaCl टाइप का एक क्रिस्टल लिया है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. ये इसके निकिल का नहीं है, ये सोडियम क्लोराइड टाइप का जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट किया है. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि A1, 2, 3 इस तरीके से मैंने इनको इनके नेम सिग्निफाई कर दिया है कि ये लेयर वन है. जो फर्स्ट लेयर सामने आपको दिखाई पड़ रही है ना इस साइड में, ये लेयर वन है, उसके पीछे लेयर टू है, फिर लेयर थ्री है. सपोज किया जो लाइट फॉल हुई थी वो नॉर्मली फॉल हुई है जैसे कि हम लोग अभी कह रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगी. तो ये डायग्राम तो आप सभी ने देखा होगा इस साइड का, और BSc के स्टूडेंट हैं तो वो अच्छे से समझ जाएंगे कि उन्होंने जब सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा. लेकिन आई होप कि जो प्लस टू के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्होंने भी इस पिक्चर को देखा होगा. ये पिक्चर का जो ओरिजिन है वो इस साइड से आया है, राइट हैंड साइड से, और ये जो लाइन है वो एक्चुअली एक लैटिस को शो करती है, और जहाँ पे ये डॉट डॉट जो है वो एटम है उस लैटिस के अंदर, और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर है. तो इनको यहाँ मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ आ जाए कि जब लाइट रे ये 1 और 2 किसी भी एंगल पे जो है इंसिडेंट होगी मैटर के अंदर, तो उसके क्रिस्टल जो हैं जहाँ पर यूनिट सेल हैं, तो यूनिट सेल जो फॉर्म हुआ है वो एटम से बनके हुआ है. तो सपोज किया ये टॉप है, ये टॉप का है, यहाँ पर जो पी इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, ये टॉप का है, और दूसरा इसके नीचे की साइड में, तो ये अंदर रहेगा, राइट, इसके नीचे है. अगर आप इसको पिक्चर को ध्यान से देख रहे हैं, मैंने स्प्रिंग के थ्रू इसको बना दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, लेकिन आप इसको अगर एक बार समझ गए तो बहुत सारी जो फिजिक्स की प्रॉब्लम है वो भी ये रिजोल्व कर देगा ये आइडिया. तो एक यूनिट सेल यहाँ पर दिखाया है स्प्रिंग के थ्रू, तो ये बाहर की लेयर में है जो आप देख रहे हैं 1 1 जिसको मैंने लिखा है ना, ये इस साइड का है मेरे साइड का, और अंदर जाके दूसरी लेयर आएगी उसके पीछे की साइड में इन साइड. तो ये जो ऊपर का एटम था इस पर सबसे पहले यहाँ से स्कैटरिंग हुआ पी पॉइंट से, और दूसरी लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हुई है इस पॉइंट पर, ये अंदर की साइड है, ये भी अंदर की साइड है, लेकिन इस पॉइंट से जस्ट बिलो है, नीचे है एक साइड, जैसे कि यहाँ पे ये शो कर दिया है पी प्राइम. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पी प्राइम पॉइंट है. तो अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आइडिया वेव फ्रंट का.
तो वेव फ्रंट जो है, आप जब आप देखते हैं कोई भी वाटर पॉन्ड के अंदर इस तरीके से ये वेव की फॉर्म में चलता है, तो जब अगर मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ दी पॉइंट्स, जो भी ये लेयर्स हैं इस तरीके से वाटर की, जो वेव्स हैं या दूसरी जो वेव्स हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये सभी सेम फेस में होंगे, तो इनको हम वेव फ्रंट के थ्रू जो है डिनोट करते हैं। तो ये जब पहला पॉइंट है या दूसरा पॉइंट है, इन दो को हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, तो जो पहला है वो तो यहाँ से स्कैटर्ड होके ये चला गया, दूसरा सेम फेस में था, तो उसको जो है ना यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम लगेगा, राइट। और क्योंकि उसने एक्स्ट्रा ये जो है पाथ डिफरेंस जो है कवर किया है, जिसको यहाँ इस पिक्चर में अच्छे से समझा दिया जाता है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का इसने पाथ कवर किया है, और फिर उसके बाद में ये जो है यहाँ इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो इस वन और टू के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, एक्चुअली वो वेव फ्रंट के बेस में हम निकालते हैं फ्रॉम दी पी पॉइंट, कि पी पॉइंट से अगर हम नॉर्मल डालते हैं इस लाइन पर तो यहाँ आएगा, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, फिर इस दूसरी साइड में हम इस जगह से नॉर्मल डालते हैं और ये बी पॉइंट आएगा, तो टोटल जो पाथ डिफरेंस है वो इस तरीके करके हम लोग निकाल लेते हैं। इस एंगल, ऑब्वियस है कि ये थीटा होगा जितना कि इंसिडेंट एंगल होगा उस रे का, तो यहाँ ये डी है जो कि डिस्टेंस है बिटवीन दी टू एटम्स, जैसे कि मैंने यहाँ इस लेटिस में शो किया है, वन एटम और टू एटम के बीच जो डिस्टेंस है वो डी है। तो साथ में आपको ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ का बेसिक आइडिया भी क्लियर हो रहा है कि कैसे उन्होंने इस इक्वेशंस को यूज किया। तो डी साइन थीटा ये, डी साइन थीटा ये, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d sin θ। तो इस तरीके से जो टोटल पाथ डिफरेंस है बिटवीन दीज टू रेज, ठीक है, रेज कहें ज्योमेट्रिकल, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक्स ऑप्टिक्स शो कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन जब मैं वेव की फॉर्म में बात करूँगा तब ये जो है आपका पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन दी टू वेव्स। तो यहाँ जो वर्ड मैं यूज करूँगा या मुझको करना चाहिए वो वेव का है, क्योंकि वेव स्कैटर्ड हुई है। तो अब यहाँ जो है ये मैक्सिमा शो करेगी, जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप करते हैं, ये जो टू वेव जब सुपर इम्पोज होंगी तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप करती हैं, तो अब कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा कहीं डिस्ट्रक्टिव होगा, तो ब्लैक होगा वाइट होगा इस तरीके से ना। तो जो मैक्सिमा आएगा, जो ब्राइटेस्ट आएगा कहीं भी, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि वो एन लैम्डा के इक्वल होगा। ये जो पाथ डिफरेंस है ये किसके इक्वल होगा, एन लैम्डा के, 2d sin θ जो है एन लैम्डा के होगा। तो इस तरीके से जो है ब्रैग्स का ला को या जो डाइफ्रेक्शन है उसको हम समझते हैं। और यहाँ पर ये एक जो पॉइंट है, आई होप कि यू हैव नोटिस इट, कि भाई मैं क्या अभी यहाँ पर बता रहा था, ये जो सिंपल पिक्चर है इसकी जो एनालॉजी है विद दी क्रिस्टल, और उसका एक यूनिट सेल के थ्रू एक्सप्लेन किया, और एक्चुअल में ये पिक्चर इस साइड में हम लोग दिखाते हैं। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin θ कहाँ से आया, उसका रीजन ये है। तो अब जब ब्रैग्स का ये ला हम लोग यूज करेंगे, तो वहाँ पर अब एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin θ एक कंडीशन होगी, उसको ये सेटिस्फाई करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है ये ऐसे फॉल हुई, और ये अब आपका क्रिस्टल है, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इस क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से जो है ये आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स देख रहे हैं, और ये प्लेन जो है कोरस्पोंड टू दी ग्रेटिंग्स हैं, और दो ग्रेटिंग के बीच की जो डिस्टेंस है उसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, और इसकी जो थिकनेस है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम है, जो कि आप देख रहे हैं अभी इक्वलेंट टू दी ये जो टू लेटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था, राइट। तो इस पिक्चर को भी आप यूज कर सकते हैं, और जो दूसरी पिक्चर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आइडिया आप कैच कर पा रहे होंगे, और नहीं अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं कैच कर पाए अभी, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम माई साइड दैट इज़ रिलेटेड बाई कीपिंग इन माई माइंड, तो अभी जो कंसेप्ट है वो मुझको दिखाई पड़ रहे हैं, बट आई डोंट नो कि जैसे मैं ब्रैग्स डाइफ्रेक्शन ला बोल रहा हूँ, आप प्रोन हॉपर डाइफ्रेक्शन बोल रहा था, वो डाइफ्रेक्शन का आपको आइडिया है या नहीं है, लैटिस पॉइंट का आपको आइडिया है या नहीं है, ग्रेटिंग एलिमेंट जिसको मैंने अभी अभी डी यहाँ पर बोल दिया इस पिक्चर में, वो आपको क्लियर है या नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को मैंने नीचे लिख दिया है कि जैसे ही आपको ये सपोर्टिंग फिजिकल कंसेप्ट मैं इनको बोलता हूँ, क्योंकि मैं बोल पा रहा हूँ
इसलिए कि मेरे माइंड में के अंदर वो पिक्चर क्लियर है. बट इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट हियर, बिकॉज वो जो सपोर्टिंग कंसेप्ट है जिनके बेस पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो आपको क्लियर नहीं होगा. सो बिकॉज वो यहाँ मैं बैक नीचे इस बॉटम साइड में वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अब मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये थीटा इस कंडीशन के लिए मुझको चाहिए. डी मुझको पता लग चुका है, एन इज इक्वल टू किसी भी एक ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है एन इज इक्वल टू वन हम लोग पुट करते हैं. लैम्डा जो है वो फाइंड आउट करना है, बट टू फाइंड द लैम्डा वी रिक्वायर दिस डी एंड दिस थीटा. तो थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप ये देखिए जो कोल एटीट्यूड एंगल है और वो मैक्सिमम कंडीशन पर वो फाइ इज इक्वल टू 50 था. इस कंडीशन पर जब आप देखते हैं यहाँ ये क्रिस्टल है और क्रिस्टल का ये वो प्लेन है जहाँ पर ये जो इंसिडेंट वेव है वो स्ट्राइक की है, इंसिडेंट बीम जो स्ट्राइक की है. तो एक इस तरीके से ये प्लेन जो आप देख रहे थे निकल क्रिस्टल के अंदर है, वन वन ट्रिपल वन प्लेन बोलते हैं उसको. तो ये सारे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्पेसिंग आ जाएगा, जिसको ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं ग्रेटिंग के अंदर. तो अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि यहाँ इस एक एक प्लेन से, यहाँ से हम लोग एज्यूम करते हैं कि इससे स्कैटर्ड हुआ था. अगर आपको रिमेंबर अभी याद होगा, अभी अभी छोटा पहला ही पॉइंट है कि जो फर्स्ट वेव है, ये जो वेव है, ये एंगल कितना बता रहे हैं हम लोग, 50 डिग्री का बता रहे हैं. ये एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल कितना होगा, इस पिक्चर को उधर लेकर के गए हैं. इस तरीके से आप समझें कि ये 50 हुआ और ये थीटा, थीटा टू थीटा, और टू थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो थीटा यहाँ से 65 डिग्री आया. और ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ इस ब्रेग्स डिफ्रैक्शन फॉर्मूले के अंदर, तो रिजल्ट आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम. और जो डी ब्रोगली के थ्रू था वो 1.67 है. तो यहाँ ये ऑलमोस्ट सेम है, 65 और 67, क्योंकि कैलकुलेशन में ये जब मैं कर रहा था तो सिग्निफिकेंट नंबर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से. लेकिन 1.65, 1.67 ये रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है. तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है उस इलेक्ट्रॉन की 1.67 है. ब्रेग्स डिफ्रैक्शन ला के अकॉर्डिंग जब वो फिजिक्स वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वो 1.65 एंगस्ट्रॉम है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर. सो वन कैन कंक्लूड कि ये जो वेव नेचर थी ब्रेग्स डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन के पास में वेव नेचर है. तो यहाँ से एक्चुअली ये प्रूव हो पाया कि जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास में वेव नेचर है. तो जैसे कि मैं अभी बोल रहा था आपको कि लेटिस क्या है, या फिर डिफ्रैक्शन क्या है, ब्रेग्स प्लेन क्या है, और बम्प कैसे रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे ही आपको ये आईडी ये क्वेश्चन क्लियर होंगे, तो ऊपर जो यहाँ मैं अभी एक्सप्लेन कर पा रहा था ये जो पॉइंट यहाँ या फिर इस पॉइंट पर, तो आई होप कि वो आपको समझ आया होगा. ये जो नोट्स हैं, ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये अवेलेबल है टू द गिवन लिंक. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा पॉइंट जहाँ था आपको समझ नहीं आया. तो आई होप कि ये बेसिक आइडिया जो इलेक्ट्रॉन का था आपको क्लियर हुआ होगा. मैटर का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन का मास चाहे जितना कम है, इट डज नॉट मैटर कि वो 9.1 × 10⁻³¹ kg है या ज्यादा है. अब कुछ ये जो मास है ना, अभी एक फैक्ट है जो मैं अभी नोट्स में लिख करके आपको बता रहा हूँ कि इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज कंपेरेबल टू देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ओनली देन द पार्टिकल कैन शो द ड्यूअल नेचर. ये फैक्ट है. अगर किसी भी पार्टिकल का साइज उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्विवेलेंट है तो वो ड्यूअल नेचर शो करेगा, अदरवाइज नहीं. अब जैसे कि मैं हूं, मेरा जो साइज है आप समझ सकते हैं कि कितने फुट होगा, आपका जो साइज है या कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, वो मैटर वेव्स ड्यूअल नेचर शो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करता, क्योंकि वो उसका जो वेवलेंथ है उससे एसोसिएटेड वो डिफरेंट है. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, राइट, पी मोमेंटम. आप अभी अगर स्पीड से चल रहे हैं, अर्थ की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड. मास आप देख लीजिए आपका कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट जब आप डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे वो कितना छोटा होगा, और ये आपकी डायमेंशंस जो है वो फीट में बोल रहे हो, आप मीटर में बोल रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट वो मिसमैच है. तो यहाँ पर इसलिए जो पार्टिकल्स हैं, मेटलिस्टिक पार्टिकल जो हम लोग आंखों से देखते हैं, वो ड्यूअल नेचर नहीं शो करते. तो ये तो इस वीडियो का फैक्ट है. तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.